हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्काईलाइट के बारे में। बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम बात करेंगे कि स्काईलाइट होती क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये कितने टाइप्स की होती है, और जब आप स्काईलाइट को अगर आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं तो उस टाइम पर आपको किस किस चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करते हैं स्काईलाइट के बारे में। तो देखिए, स्काईलाइट जो है वो यूजली आपकी विंडोज से डिफरेंट होती है। एंड जैसे कि आपके घरों में जो विंडोज़ लगाई जाती हैं आपकी डे लाइट या फिर जो नेचुरल लाइट है वो घर में आए, इसी तरीके से डे लाइट के लिए भी जो है स्काई लाइट का यूज़ करा जाता है। और ये जो है बेसिकली आपकी जो रूफ़ होती है, रूफ़ में कटिंग करते हैं, और सेम एग्जैक्टली अगर सीलिंग है तो सीलिंग भी जो है उसी फेस में ही कटिंग होती है, और उसके बाद जो है वहाँ पर ये फिक्स करी जाती है। तो ये बेसिकली इसका सिंपल और ये स्काई लाइट होती है। और इसका जो मेन जो मोटिव रहता है वो ये नहीं रहता कि बाहर का कोई व्यू आपको दिखे, इसका मेन मोटिव रहता है कि आपके घर के अंदर जो है रोशनी आए। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि विंडोज़ के थ्रू जो रोशनी आपके घर के अंदर आती है, जो डे लाइट आपके घर में आती है, उससे अप्रॉक्स 5 times ज़्यादा आपको डे लाइट जो है वो आपको स्काई लाइट के थ्रू मिलती है। और दोस्तों, स्काई लाइट जो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे कि मान लिया आपका कोई ऐसा रूम है जहाँ पे कि बिल्कुल विंडो नहीं है, वहाँ पे विंडो लेस रूम है, तो उसके अंदर रोशनी के लिए आप स्काई लाइट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका ड्रेसिंग रूम हो गया, हॉल भी हो गया, तो यहाँ पर जो आप स्काई लाइट का यूज़ कर सकते हैं नेचुरल लाइट के लिए। और इसी के साथ ही जैसे आप स्काई लाइट का यूज़ करते हैं ऐसे एरियाज़ में, तो वहाँ पर जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी जो नीड है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। और मतलब जितना आपका सन जब तक निकल रहा है तब तक आपको आर्टिफिशियल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इस कारण से आपका जो बिजली का जो बिल है वो भी आपका काफ़ी कम हो जाता है। अब दोस्तों, बात करते हैं स्काई लाइट के कि स्काई लाइट्स कितने अलग अलग टाइप्स के रहते हैं। तो देखिए, 2 different टाइप्स के जो है स्काई लाइट्स होते हैं। इसमें सबसे पहला हो गया ट्रेडिशनल और सेकंड हो गया ट्यूबलर। अब इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल स्काई लाइट के बारे में। तो देखिए, इसकी जो बेसिक जो टेक्नोलॉजी रहती है वो जैसे आपकी जो नॉर्मल जो विंडोज़ जो स्टैंडर्ड जो विंडोज़ होती हैं जिस तरीके से वो इंस्टॉल की जाती हैं, तो लगभग जो है वही इसी जो है वो इसको इंस्टॉल करने के लिए टेक्नोलॉजी जो है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। और देखिए दोस्तों, अभी स्काई लाइट में अगर बात करें ना, तो काफ़ी सारी स्काई लाइट ऐसी होती है जो कि बिल्कुल फिक्स रहती हैं, बिल्कुल फिक्स रहेंगी, वहाँ पे आप का कोई भी जो है एयर का सर्कुलेशन या वेंटिलेशन नहीं होगा, सिर्फ आपकी रोशनी आएगी। लेकिन कुछ जो है वो ऐसी भी स्काई लाइट होती है जो कि ओपनेबल होती हैं, जैसे कि आपका नीचे की जो गर्म हवा है आपके रूम की, तो वो जो गर्म हवा है वो आपकी बाहर जा सके आपके घर से। और दोस्तों, ये जो है ना बेसिकली हॉरिजॉन्टली आपके घरों में जो है वो इंस्टॉल करी जाती है। अब दोस्तों, इसी में ही एक अलग एक फॉर्म की अगर बात करें स्काई लाइट की, तो इसमें क्या होता है कि नॉर्मल जैसे जो स्काई लाइट होती है उसको जो है कवर किया जाता है एक ओपेक बबल के थ्रू। तो इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि इसमें एक तो एक शील्ड जो है ग्लास की ऊपर आ जाती है, और इसी के साथ ही जो है कुछ एक इंसुलेटिंग वैल्यू भी जो है इसमें क्रिएट हो जाती है। मतलब अगर धूप की रोशनी आ रही है वहाँ पे, तो उसकी जो हीटिंग है वो बिल्कुल जो है वो हीटिंग जो है आपके घर के अंदर नहीं आएगी। और दोस्तों, अगर आपको और बहुत ही इजी लैंग्वेज में अगर बताऊँ ना स्काई लाइट के बारे में और ट्रेडिशनल स्काई लाइट के बारे में, तो इसका जो टाइप है, तो जैसे एक कार की जैसे सनरूफ होती है ना, तो एग्जैक्टली उसी तरीके से ही जो है स्काई लाइट काम करती है। और ट्रेडिशनल जो स्काई लाइट है वो इस तरीके से काम करती है। और ये जो है दोनों का एक तरीके से अगर सिमिलर अगर हम कंपेयर करें तो आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं स्काई लाइट के सेकंड टाइप के बारे में, जिसका नाम है ट्यूबलर स्काई लाइट। और इसको अगर मैं बेसिकली अगर बात करें तो इसको शॉर्ट में TDD बोला जाता है, और TDD की फुल फॉर्म है ट्यूबलर डे लाइट डिवाइसेस। और ट्यूब्स होती हैं इसमें, और ट्यूब को जो है वो एक्सटेंड करा जाता है रूफ से बिल्कुल नीचे तक, जहाँ पे भी आपका जो रूम आ रहा है तो रूम के बिल्कुल लेवल तक जो है एक्सटेंड करा जाता है। और ये जो बेसिकली डिवाइस होता है, ये जो ट्यूब्स होती हैं, ये आपकी लाइट को रूफ से ट्रांसमिट करती है नीचे की तरफ, और नीचे जो एक डिफ्यूजिंग लेंस एक माउंट किया हुआ होता है इंटीरियर सरफेस पे, जो कि यूजली सीलिंग में होता है, जैसे कि आप फोटो में भी आपको दिख रहा है। तो इसमें जो है इस तरीके से जो है लाइट को हम जो लेकर के आते हैं आपके नीचे रूम्स में। एंड अगर हम बात करें नॉर्मल अगर हम स्काई लाइट्स की अगर बात करें, तो इसका साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा होता है। एंड इसकी अगर यूसेज की बात की जाए, तो आपके जैसे क्लोजेट्स हो गए, बाथरूम्स हो गए, हॉल्स हो गए, तो जहाँ पे कि सनलाइट नहीं आती, तो वहाँ पे सनलाइट को लाने के लिए, सनलाइट को एक्सेस करवाने के लिए वहाँ पर TDD यानी कि ट्यूबलर डेलाइट डिवाइस का यूज़ किया जाता है।
लेकिन दोस्तों ये जो चीज़ें थी ना मैंने आपको बताया अभी टाइप्स के बारे में, अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि स्काईलाइट अगर आप अपने घरों में यूज़ करवा रहे हैं ना, तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसका कि आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसमें सबसे पहला तो ये कि आपको बताना चाहिए अगर आपकी जो स्काईलाइट आप दे रहे हैं अपनी छत पर, तो अगर उसकी जो फेसिंग है अगर वो नॉर्थ की साइड आ रही है, तो नॉर्थ की साइड आ रही है तो एक तो आपके घर के अंदर एक स्टेबल और एक कॉन्स्टेंट लाइट आएगी और आपका घर जो है वो ठंडा रहेगा। और इसी तरीके से अगर आप साउथ फेसिंग में आप स्काईलाइट को अब इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो गर्मियाँ में जो है आपका घर जो है वो काफ़ी हीट कर सकता है। एंड इसी के साथ ही अगर हम बात करें कि आपकी जो स्काईलाइट की जो फेसिंग है, अगर वो मान लिया वेस्ट फेसिंग है, तो उस केस में आपकी जो है वो घर जो है वो एक तो हीट रहेगा और दूसरा आफ्टरनून की जो लाइट है वो आपके घरों में मिलेगी। और इसी के साथ अगर आपकी जो स्काईलाइट है उसकी जो फेसिंग है वो ईस्ट डायरेक्शन में है, तो आपका घर जो है वो काफ़ी चमकेगा, रोशनी काफ़ी मिलेगी आपको आपके घर में। और इसी के साथ ही बहुत ही थोड़ा सा गर्म रहेगा, लेकिन जो मॉर्निंग सनलाइट है वो आपको आपके घर के अंदर मिलेगी। अब दोस्तों फटाफट बात कर लेते हैं स्काईलाइट के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि ये एनर्जी एफिशिएंट है, आपके घरों में जो है वो आपकी डे लाइट को इन्हेंस करता है, तो इससे जो आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट है वो कम होती है। अब सेकंड बेनिफिट के बारे में बात करें तो ये आपके मूड को बूस्ट करती है और आपकी जो एनर्जी है उसको इंक्रीज़ करती है, क्योंकि सर्वे में ये बात जो है काफ़ी बार जो है वो साबित हो रही है कि डे लाइट में हमारी बॉडी जो है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे काम करती है, हमारा मूड जो है वो बढ़िया हो जाता है और हम जो है अपनी हाई एफिशिएंसी पे काम करते हैं और हमारी जो लर्निंग है, लर्निंग एबिलिटी और जो क्रिएटिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। और इसी के साथ साथ ही जो आपकी जो विटामिन डी है वो भी आपको मिलेंगे और डिप्रेशन भी जो है वो आपका कम होता है। थर्ड बेनिफिट के बारे में बात करते हैं कि डे लाइट जब आपके घरों में जब आती है स्काईलाइट कहते हैं, तो आपके जो घर है वो दिखने में जो बहुत ही प्यारा लगता है। फोर्थ बेनिफिट के बारे में बात करते हैं तो जब डे लाइट आपके घर के अंदर आती है, तो आपका जो मॉइस्चर है और जो ऑडर्स हैं, जो स्मेल वगैरह हैं, तो वो भी जो है आपके घर से रिमूव हो जाती हैं। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो अगर आपका जो घर है वो काफ़ी ठंडे एरियाज़ में है और आप ठीक डायरेक्शन का यूज़ करते हुए अगर आप स्काईलाइट देते हैं, तो आपके घर को जो हीट करने का जो कॉस्ट है वो भी जो है सर्दियों में काफ़ी कम हो जाता है। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो जो आपका नेचुरल सनलाइट होता है वो आपकी बीमारी को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है। अगर कोई बीमार है तो उसकी रिकवरी जो है वो बहुत जल्दी हो जाती है। इसी के साथ साथ ही आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी बूस्ट करता है एंड आपका जो स्ट्रेस लेवल है उसको कम करता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको स्काईलाइट क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया कि किस डायरेक्शन में किस तरीके से काम करता है। लेकिन एक चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ध्यान में रखनी है कि देखिए, अगर मान लिया आपकी जो कार का सनरूफ है, आपने सनरूफ वाली कार ले ली, लेकिन अगर कार के सनरूफ में से अगर बारिश में लीकेज हो रही है ना, तो वो जितने बेनिफिट है ना वो आपकी समस्या में बदल जाएगी। तो इसी तरीके से अगर आप स्काईलाइट का यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसको जब एक तो आप जिससे भी आप बनवा रहे हैं, इंस्टॉल करवा रहे हैं, तो आपको जो प्रॉपर उसमें काफ़ी ध्यान रखना है कि वो लीक प्रूफ हो, और अगर जो आपकी जो बारिश है वो हैवी से हैवी भी आ जाए तो उसका जो पानी आपके घर के अंदर लीक नहीं होना चाहिए। तो ये सबसे मेन पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये पॉइंट अगर आपने फुलफिल कर लिया और सही डायरेक्शन में स्काईलाइट का यूज़ कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपकी एरिया की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि वहाँ पे कितनी गर्मी पड़ती है, कितनी ठंड पड़ती है, तो आपके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया ये साबित होगी और इसका आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरी ये जो वीडियो है अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो उसको लाइक कर सकते हैं, और आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक के रिगार्डिंग तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।